और क्या हाल है मेरे दोस्तों, आप सभी का श्वेता पाकला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों को भला कैसे भूल सकती हूँ। हेलो, आज हम आपके साथ एक ख़ास तरह की डिश बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है मोदक। मोदक तो आपके लिए अनजाना नाम नहीं, नाम से तो आप अच्छे तरीके परिचित होंगे, लेकिन यह मोदक बहुत ही ख़ास है क्योंकि यह गुड़ से बना है। ये मीठा मोदक बनाया गया है और दूध में पकाया गया है, इसलिए ये बहुत ही हेल्दी तथा स्वादिष्ट है। जिसको बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता है, वह इस तरह है। चावल का आटा 250 ग्राम, कच्चा नारियल पूरा पीस चाहिए, दूध 1 लीटर, गुड़ 150 ग्राम, घी 3 से 4 चम्मच, गर्म पानी अच्छे से किया हुआ 200 ml। अब हम और आप मिलके इसे बनाने जा रहे हैं, चलो दोस्तों मिलके बनाते हैं। 200 ग्राम आटा है, ये चावल का आटा है, ठीक है। अब इस चावल के आटे को हम थाली में निकाल लेंगे, चला हुआ चावल का आटा है। अब इसको हम गुनगुने पानी से, गुनगुना ज़्यादा ही गर्म है, और इसको हम अच्छे से गूंथ लेते हैं। अब दोस्तों इस आटे को हमने बहुत ज़्यादा न टाइट गूंथा है न बहुत ज़्यादा लूज़ गूंथा है, इससे जब हम बनाना शुरू करेंगे तो बहुत अच्छे से ही बन जाएगा। इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने को छोड़ देते हैं। इस नारियल को दोस्तों हमने इसके छिकले को निकाल दिया है, पूरी छिकले को निकाल के ऐसे साफ़ करके उसके बाद इसको हमने घिस के कद्दूकस करके पूरा साबुत नारियल है इसको घिस के निकाल के रख लिया है। अब इसको हम कढ़ाई में घी डाल के, देसी घी डाल के इसको हम फ्राई करेंगे। कढ़ाई गर्म हो गई, इसमें हमने 2 टेबल स्पून घी डाल दिया। घी डालने के बाद इसको वेट नहीं करते हम, इसको के अंदर हम तुरंत नारियल डाल देते हैं और एकदम इसकी आँच को धीमा कर देते हैं जिससे नारियल नीचे की ओर लगे नहीं। और धीमी है आँच पे, इसको हम धीरे धीरे करके 5 से 7 मिनट तक भूनते हैं जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इसका कलर वाइट से थोड़ा सा गोल्डन आने लगता है और इसका कच्चापन का जो स्वाद रहता है ना वो निकल जाता है। तब तक इसको हम भूनते, करीब 5 से 7 मिनट लगता है इस नारियल को भूनने में। अब देखिए इसको हमने हल्का सा, इसका बहुत हल्का ही कलर चेंज करना है, बहुत ज़्यादा इसका कलर नहीं चेंज करना है। अगर इसका कलर ज़्यादा चेंज हो गया है, ज़्यादा भुन गया, तो इसमें जलेपन का स्वाद आएगा। अब इसके अंदर हम पूरे गुड़ को डाल देंगे और गुड़ डाल के इसको करीब 5 मिनट के लिए ढक देंगे और बीच बीच में 1-2 बार इसको चला देंगे। इसको हमने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब देखिए इस पर गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसको थोड़ा सा हम भूंज के और फिर प्लेट के अंदर इसको हम निकाल लेते हैं। अब देखिए इसको हमने निकाल लिया है, एकदम चॉकलेट जैसा लग रहा है। उतना ही ये हेल्दी है, उतना ही ये स्वादिष्ट रहेगा बनने के बाद। थोड़ा सा इंतज़ार हमें और करना होगा इसको बनाने के लिए। लाईदार 1 लीटर दूध है, इसको हमने छिछले बर्तन में इसलिए रखा है फैले हुए कि जब इसमें हम मोदक बना के डालेंगे तो वो टूटे नहीं, इसलिए इसको धीमी आंच पे हमने दूध चढ़ा दिया है। तब तक हम मोदक तैयार कर लेते हैं। अब इसके हम पतली पतली छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे, बहुत छोटी छोटी, जैसे ऐसे छोटी छोटी, बहुत बड़ी भी नहीं हो, बहुत छोटी भी नहीं हो। और इसको हाथ में हल्का सा प्रेस करके इसको एकदम पतला ऐसे करके, बहुत मोटा इसको नहीं बनाना है, जितना ही पतला रहेगा उतना ही इसका स्वाद अच्छा रहेगा। इसलिए देखिए इसको हमने कितना पतला और कितना छोटा सा बनाया है, देखिए ये मोटा नहीं रहेगा। अब इसके अंदर थोड़ा सा इसको फिल कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसको फिल करना रहेगा। ये इसको हमने इसको ऐसे इस तरह से बना लिया है और ये मोदक बनाने का साँचा है ये इस तरह से। अब इसके अंदर इसको हम रख देंगे, ये ऐसे रख के तीनों तरफ से हल्का सा इसको प्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, केवल इसका शेप शेप आ जाए। और फिर इसके बाद इसको हम ऐसे एक एक करके बना बना के रखते जाएंगे। इसको मोदक को बना दिया है। अगर आपको मोदक बनाने में दिक्कत आ रही हो या आपसे ठीक से नहीं बन पा रहा हो तो आप इसको दूसरे शेप में बना सकते हैं। जैसे हमने इसको थोड़ा सा गुजिया के शेप में बना दिया है। किसी किसी का क्या होता है, मोदक नहीं बन पा रहे, आप कोई भी शेप बना सकते हो, गोल शेप में बना लो, एक बॉल की तरह भी बना सकते हैं, जैसा आपको ईजी पड़े कि फटे नहीं दूध में पड़ने के बाद, क्योंकि इसके अंदर गुड़ भरा हुआ है इसलिए दूध के अंदर पड़ने के बाद इसको फटना नहीं चाहिए।
अब इसको हमने बनाने के बाद ये इधर देखिए, ये दूध 15 मिनट के लिए हमने रख दिया था, जब तक उसको हमने पूरा फिल किया तब तक ये दूध अच्छे से देखिए गाढ़ा हो गया है। अब इसके अंदर हम एक एक करके सारे मोदक और गुजिया दोनों एक साथ डाल देंगे जिससे ये पक जाए। धीमे धीमे डालेंगे इसको हम, कि नीचे लगना भी नहीं चाहिए और ये आराम से इसमें पक जाए। और इसको डालने के बाद, इसीलिए हमने इसमें बड़ा बर्तन लिया था जिससे इसको पकने में दिक्कत ना हो, चलाने में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इसको चलाते समय ही टूट जाए। देखिए इसमें उबाल आ गया है, इसको हम धीमी आंच कर देंगे एकदम से सेम, और इसको फिर हम इसको ढक देते हैं। ढकने के बाद इसको 3 से 4 मिनट तक ये ढका रहेगा और फिर इसको एक बार हम पलट देते हैं। देखिए अब इसको हमने काफ़ी टाइम पके, देखिए कितना अच्छे से इसका वो आया है कलर। और अब इसकी आंच थोड़ा सा हम तेज कर देंगे, ये दोनों तरफ से पक गया है। करीब 5 से 7 मिनट इसको हमने पकाया है और देखिए दूध इसका कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। इसको आप रख देंगे ना, थोड़ा देर ठंडा हो जाएगा तो इसका दूध और गाढ़ा हो जाएगा। चाहे इसे आप फ्रिज में रख के ठंडा करके खाइए या फिर इसको आप गरम गरम भी खा सकते, दोनों तरह से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून चीनी, 1 से 2 आप ऐड कर सकते हैं, डिपेंड करता है, क्योंकि दूध अपने में ही मीठा होता है, तो डिपेंड करता है आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप डाल लीजिए, नहीं ज़्यादा पसंद हो तो उसमें जो गुड़ पड़ा हुआ है वो मतलब भर का मीठा है। जैसे हमने इसमें 1 चम्मच चीनी मिला दिया, एकदम लास्ट में चीनी डालना है, पहले इसमें चीनी हम नहीं डाल सकते, और 1 चम्मच इसमें और डाल दिया है। इसको डालने के बाद इसको हम धीरे से हल्के हाथ से इसको मिला देंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे ये और गाढ़ा होता जाएगा। अब इसमें हमने 5 से 6 धागे केसर में दूध में भिगोए हुए हैं, लास्ट में इसको हम डाल के दूध को गैस को बंद कर देते हैं, बंद करके इसको 5 मिनट के लिए ठंडा होने देते, फिर सर्व करते हैं। देखिए अभी एकदम से ठंडा हो गया, अब इसको हम प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। एक चीज़ आप विशेष ध्यान देना कि या तो इसमें केसर पड़ेगा या तो इलायची, दोनों चीज़ एक साथ नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों का स्वाद अलग होता है। हमने केसर डाल लिया, अगर आपको केसर नहीं पसंद है, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप केसर इलायची दो में से एक चीज़ डाल सकते हैं। हाँ, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप इसमें ड्राई फ्रूट बिल्कुल नहीं डालिएगा, क्योंकि कच्चे नारियल का अपना ही स्वाद बहुत अच्छा होता है। ये बहुत ही स्वादिष्ट है तथा बहुत ही हेल्दी डिश है। इसको अब हम निकाल, देखिए हमने ये मोदक वाला सेब का बना हुआ है, ये गुजिया की तरह है, आप जैसा सेब चाहो वैसा बना सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही स्वादिष्ट डिश है, इसे ज़रूर ट्राई करना दोस्तों। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे जाके बेल जरूर दबाइए। बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टेक केयर।